और जालौन में बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा सरकार का अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने महिलाओं को सरकार द्वारा पारित किए गए महिला आरक्षण बिल की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह बिल महिलाओं के हित में है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया है, जबकि पिछली सरकारों ने इस विधेयक की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन आरक्षण विधेयक लागू कर महिलाओं को सम्मान दिलाने का कार्य किया है। कि 27 साल से ये जो विधेयक था लटका हुआ था, किसी तरीके से पास नहीं हो रहा था, लेकिन लोकसभा में जब नई लोकसभा बनी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नई लोकसभा में गणेश चतुर्थी जी उसमें गए और शुभारम्भ में कोई अच्छा काम करना चाहिए, उन्होंने अच्छा काम उन्होंने अगर सुना तो सबसे पहले यही हमारा नारी शक्ति विधेयक को सुना है और उसी के तहत इसे पास कराया है। लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में पास हो गया है, पूर्ण बहुमत के साथ हुआ है। और विशेष रूप से मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग कह रहे हैं कि ये पास तो हो गया है लेकिन ये लागू नहीं होगा, लागू 100% 101% होगा।